क्लासरूम में चुड़ैल का साया। एक बार की बात है, सोनपुर नामक गांव में एक गरीब लड़की अपनी विधवा माँ के साथ रहा करती थी और वो हमेशा अपनी गरीब विधवा माँ से स्कूल जाने की जिद करती थी, लेकिन उसकी गरीब माँ अपनी बेटी की इस जिद को पूरा नहीं कर सकती थी क्योंकि गांव में कोई सरकारी स्कूल था नहीं और प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज्यादा महंगी थी और वो इसी वजह से अपनी बेटी को स्कूल पढ़ने नहीं भेज सकती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन नैन्सी अपनी माँ से कहती है, माँ बस बहुत हो गया, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, मेरा भी एडमिशन करवा दीजिए ना। मेरी प्यारी बच्ची, अगर तू आज कुछ और भी मांग लेती तो शायद वो भी पूरा हो जाता। अब तू स्कूल जाएगी। तुझे पता है, जब मेरी मालकिन को पता चला कि तू स्कूल नहीं जाती तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि आज से नैन्सी की पढ़ाई का सारा खर्चा मेरा। मेरी मालकिन बहुत अच्छी है। माँ सच, अब सच कह रही है, अब मैं भी स्कूल जाऊंगी। नैन्सी को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मालती की मालकिन नैन्सी का एडमिशन करवा देती है। अब नैन्सी स्कूल पढ़ने जाने लगती है। आज स्कूल में उसका पहला दिन था। स्कूल के पहले ही दिन स्कूल की कुछ सीनियर स्टूडेंट्स आती है नैन्सी को परेशान करने के लिए। ओ, तो तुम हो न्यू एडमिशन, ठीक है, तो तुम इस तरह से क्लास में नहीं जा सकती। पहले तुम्हें हमारी बात माननी होगी, तभी तुम क्लास में जाकर बैठ सकती हो, वरना नहीं। मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, सामने तुम्हें केबिन नजर आ रहा है, वहाँ पर एक बड़ी सी चेयर है, उस पर तुम्हें ये ग्लू डालकर आना है और कुछ नहीं। बेचारी नैन्सी का स्कूल में पहला दिन था, वो ये सब करना नहीं चाहती थी लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसे अपनी सीनियर्स की बात माननी पड़ती है। और वो केबिन प्रिंसिपल मैम का था और वो चेयर भी प्रिंसिपल मैम की थी। अभी प्रिंसिपल मैम अपने केबिन में आई नहीं थी। नैन्सी चुपके से जाती है और वो ग्लू डालकर आ जाती है। कुछ समय बाद प्रिंसिपल मैम अपने कैबिन में आती है और वो चेयर पर बैठ जाती है और जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है वो उठ ही नहीं पाती। वो जोर जोर से आवाज लगाती है, प्रिंसिपल मैम क्या हुआ, आप इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? सब ठीक तो है ना? मैं इतने समय से उठने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उठ नहीं पा रही, मेरे कैबिन में कौन आया था? संजना मैम प्रिंसिपल मैम की मदद करती है। ग्लू की वजह से उनकी साड़ी पूरी तरह से फट चुकी थी। वो दूसरी साड़ी चेंज करती है और उसके बाद पता करती है कि कैबिन में कौन आया था और किसने ये हरकत की। सीसीटीवी कैमरे में सब नजर आ जाता है। प्रिंसिपल मैम आग बबूला हो जाती है और वो सीधा नैन्सी की क्लास में जाती है। नैन्सी खड़ी हो जाओ, पहले ही दिन आकर तुमने ये हरकत की, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा आज पहला दिन मैं आखिरी दिन बना देती हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी चेयर पर ग्लू डालोगी? प्रिंसिपल मैम मुझे माफ कर दीजिए, हाँ ये सच है कि मैंने आपकी चेयर पर ग्लू डाला लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, मुझसे जबरदस्ती करवाया गया। 8th क्लास के बच्चों ने मुझसे जबरदस्ती ये सब करवाया और धमकी दी थी, अगर मैंने चेयर पर ग्लू नहीं डाला तो वो मुझे इस स्कूल में पढ़ने नहीं देंगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। प्रिंसिपल मैम 8th क्लास के बच्चे बहुत ही ज्यादा शैतान है, वो न्यू एडमिशन को ऐसे ही परेशान करते हैं। जब मेरे स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ था तो उन्होंने भी मेरे साथ ऐसे ही कुछ किया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। मैं जानती हूँ वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज स्टूडेंट्स है, उनसे जरा बच के ही रहना, ठीक है? श्वेता और नैन्सी की दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल मैम 8th क्लास में जाती है और उन सबकी क्लास लगाती है। ओ, तो वो तुम तीनों हो जिन्होंने नैन्सी को ये सब करने पर मजबूर किया। तुम कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना, उन्हीं के सामने बात होगी। प्रेरणा, राशि और आराध्या तीनों की प्रिंसिपल मैम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से क्लास लेती है। पूरी क्लास के सामने उनकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करती है और जब कल वो अपने पेरेंट्स को लेकर आती है तो उनके पेरेंट्स के सामने भी प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर दोनों ही मिलकर तीनों को बहुत ही ज्यादा सुनाती है, जिस वजह से तीनों को बहुत ही ज्यादा इंसल्ट महसूस हो रही थी। इतनी ज्यादा इंसल्ट तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई और ये सब कुछ हुआ है उस 2% की स्टूडेंट की वजह से, उसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। मैं भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, मैं भी उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी उसको।
और अब तीनों हाथ धोकर नैन्सी के पीछे पड़ जाती है, उसे आते जाते परेशान करती है। नैन्सी उनके मुंह नहीं लगती थी, वो बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखती थी। नैन्सी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। कुछ ही समय में नैन्सी सभी टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट बन जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन श्वेता नैन्सी से कहती है, यार सपना मैम तो तेरी बहुत बात मानती है ना, प्लीज यार सपना मैम से मेरी नोटबुक चेक करा दे, उन्होंने चेक करने के लिए मना कर दिया, प्लीज यार करा देना। ठीक है करा देती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि तूने जानबूझकर लेट नहीं किया। सपना मैम स्टाफ रूम में है, मैं वहीं पर जा रही हूँ, ला मुझे अपनी नोटबुक दे दे। नैन्सी श्वेता की नोटबुक लेकर सपना मैम के पास जा रही थी कि तभी नैन्सी की नज़र एक क्लासरूम के ऊपर जाती है, क्लासरूम नंबर 22, जो हमेशा से बंद रहता था, और आज उसने 6 महीने में पहली बार उस क्लासरूम का दरवाजा खुला हुआ देखा। यह देखकर नैन्सी चौंक जाती है और वो थोड़ा और आगे जाती है तो उस क्लासरूम से आवाज आ रही थी, किसी को पता ही नहीं किस क्लासरूम में हम रहते हैं, बस जैसे ही हमारा समय पूरा होगा वैसे ही हम इस स्कूल को बर्बाद कर देंगे, इस स्कूल के सभी बच्चों को मार देंगे और उसके बाद अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इतने समय बाद हमें मौका मिला है इस स्कूल को बर्बाद करने का। कौन है यहाँ पर जो इस तरह की बातें कर रहा है, आगे जाकर देखूं क्या? नैन्सी क्लासरूम के अंदर जाकर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। नैन्सी के माथे पर पसीना आ जाता है क्योंकि अभी कुछ समय पहले यहाँ से बात करने की आवाजें आ रही थी, और अंदर जाकर वो देखती है तो कोई भी नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। और फिर अचानक उस क्लासरूम का दरवाजा लॉक हो जाता है और उस क्लासरूम के लाइट्स भी ऑफ हो जाती है और दोबारा से आवाजें आनी शुरू हो जाती है। इसने तो हमारी सारी बातें सुन ली, इसे तो हमारे प्लान के बारे में पता चल गया, ऐसा कैसे हो सकता है, अब हमारा क्या होगा? साथियों क्या कहते हो, इसे मार दें? नहीं नहीं, अगर हमने अभी इसे मारा तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, हम इसे नहीं मार सकते। सुन लड़की, अगर तूने किसी को हमारे बारे में बताया कि इस क्लासरूम में हम है तो हम तुझे समय से पहले ही कच्चा चबा जाएंगे। कौन हो तुम, नजर क्यों नहीं आ रहे हो और इस स्कूल को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? इस स्कूल के बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, हमारी तुमसे क्या दुश्मनी? देखो तुम जो कोई भी हो, प्लीज हमारे स्कूल का पीछा छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। नैन्सी के इतना कहते ही सफेद कपड़ों में चुड़ैल आ जाती है, जिनका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था और उनकी हंसी भी बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। नैन्सी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, वो थर थर कांपने लगती है और कुछ ही समय में वो बेहोश हो जाती है। नैन्सी को जब होश आता है तो उसके चारों तरफ स्टूडेंट्स और टीचर्स का जमावड़ा था। नैन्सी बेटा क्या हुआ था, तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई? मैं बाहर ग्राउंड में, नहीं मैं तो सेकंड फ्लोर के रूम नंबर 22 में थी। ये तो क्या कह रही है, तू हमें ग्राउंड में बेहोश मिली ना कि सेकंड फ्लोर के रूम नंबर 22 में। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, क्या करूँ, सच बताऊँ या नहीं? अगर सच बताया तो मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर सच नहीं बताया तो उस रूम की चुड़ैल पूरे स्कूल को तबाह कर देगी। क्या करूँ क्या करूँ, ये मैं किस दुविधा में फंस गई, क्या करूँ? नैन्सी क्या हुआ? श्वेता तू तो पिछले 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रही है, इस स्कूल में क्या कोई दुर्घटना घटी थी? और सेकंड फ्लोर के रूम नंबर 22 में कोई जाता क्यों नहीं है, वो हमेशा बंद क्यों रहता है? पता नहीं क्यों बंद रहता है, और इस स्कूल में कोई दुर्घटना नहीं घटी, तो ऐसे उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रही है, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, अब वो बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। नैन्सी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, वो किसी को सच भी नहीं बता पा रही थी और वो ठीक तरह से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे नैन्सी का दिमागी संतुलन खराब हो रहा था। एक तरफ उसे क्लासरूम की चुड़ैल दिखाई दे रही थी और दूसरी तरफ स्कूल के इतने सारे बच्चे, वो किसी को सच नहीं बता पा रही थी। नैन्सी तुम्हें क्या हुआ है, तुम अच्छी तरह से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो, हमेशा खोई खोई रहती हो, टेस्ट में भी फेल हो गई, एग्जाम आने वाले हैं, अगर तुम फाइनल एग्जाम में फेल हो गई तो? इंसान हूँ 24 घंटे पढ़ नहीं सकती, और अगर मैं एक टेस्ट में फेल हो गई तो क्या हुआ, मेरा ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। नैन्सी बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से सपना मैम से बात करती है। सपना मैम समझ ही नहीं पाती कि नैन्सी को क्या हुआ है, वो ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी, और वो उसे एक जोर से चाटा मारकर क्लास से बाहर निकाल देती है। बेचारी नैन्सी दिमागी बीमार होती जा रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है।
उसी क्लास के भूतों ने बहुत ही ज्यादा डरा के रखा था। नैन्सी क्लास से बाहर आकर एक जगह बैठी रो रही थी कि तभी प्रेरणा उसके पास आती है और उसे पीछे से आकर डरा देती है। ये क्या किया तुमने, तो मुझे डरा ही दिया, अभी मेरी जान निकल जाती। देखो तो बेचारी डर गई। आजकल के बच्चे तुझे पागल पागल कहकर पुकारते हैं और तूने सपना मैम से भी बहुत बदतमीजी से बात की और हमने तो ये भी सुना कि तू टेस्ट में भी फेल हो गई। मुझे लगता है कि अब तेरे इस स्कूल में कोई काम नहीं, तुझे अपने मम्मी के साथ बर्तन साफ करवाने जाना चाहिए, ना कि यहाँ आकर पढ़ाई करनी चाहिए। और ऐसा कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी नैन्सी प्रेरणा के हाथ में रिंग देखती है और रिंग देखकर उसे कुछ याद आता है। ये रिंग प्रेरणा के हाथ में, ये रिंग तो मैंने उस चुड़ैल के हाथ में देखी थी जिसने मेरी गर्दन पकड़ी थी। प्रेरणा के हाथ में सेम टू सेम वैसे ही रिंग, ऐसा कैसे हो सकता है। नैन्सी सेकंड फ्लोर के रूम नंबर 22 की तरफ जा रही थी। प्रेरणा, राशि और आराध्या उसे जाते हुए देख लेती है और वहाँ जाकर नैन्सी कहती है, मैं तुम तीनों चुड़ैल से नहीं डरती, तुम्हें जो करना है कर लो। अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता कर ही रहूंगी कि इस क्लासरूम में तीन चुड़ैल रहती है जो इस स्कूल को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इस स्कूल के सभी बच्चों का खून पीकर इस दुनिया पर राज करना चाहती है। अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, तुमने मुझे पागल कर दिया, अब मैं तुम्हारा सच सबको बता कर ही रहूंगी। लगता है इसे कच्चा चबाने का समय आ गया है, तुझे अपने जिंदगी से प्यार नहीं है, तभी तो तू हमारी सच्चाई स्कूल वालों को बताना चाहती है। ठीक है तो हम तुझे कच्चा चबा ही लेते हैं, ना रहेगी तू और ना ही तू किसी को सच्चाई बता पाएगी कि इस क्लासरूम में कोई है। कोई है, बचाओ, देखो ये चुड़ैल है, एक नहीं दो नहीं तीन चुड़ैल है। प्रिंसिपल मैम, सपना मैम, निहारिका मैम, जल्दी से ऊपर आइए, इस क्लासरूम में चुड़ैल है, जल्दी से ऊपर आइए वरना ये तीनों चुड़ैल मुझे मार देंगी, जल्दी से ऊपर आइए। नैन्सी बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाती है, उसकी आवाज नीचे गूंज रही थी और सभी टीचर्स, प्रिंसिपल और स्टूडेंट सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं और वहाँ जाकर जो देखते हैं दंग रह जाते हैं। नैन्सी क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या हो रहा है और ये तीनों कौन है। मैम वो तो इनका मुखौटा उतार कर ही पता चलेगा। ऐसा कहकर नैन्सी उनका चुड़ैल का जो भेस ले रखा था वो उतार देती है और चुड़ैल के भेस में कोई और नहीं बल्कि प्रेरणा, राशि और आराध्या, वो तीनों ही थी। वो तीनों मिलकर बेचारी नैन्सी को डरा रही थी, उसे दिमागी मरीज बना रही थी, उसे स्कूल से निकलवाने के लिए ये सब कर रही थी। अब तुम तीनों खुद सच्चाई बताओगी या फिर मैं सबको सच्चाई बताऊं कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तुझे कैसे पता चला कि तुझे डराने वाले हम तीनों ही हैं? शायद मुझे कभी पता नहीं चलता, अगर मैं तुम्हारे हाथ में वो रिंग नहीं देखती, इस रिंग की वजह से मुझे पता चला कि मुझे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम तीनों ही हो। और इस क्लास में कोई भूत नहीं है बल्कि भूत बनकर तुम मुझे दिमागी मरीज बनाना चाहती थी, मुझे पढ़ाई से भटकाना चाहती थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं तो सीधी सादी बस स्कूल में आकर शिक्षा प्राप्त कर अपनी गरीबी को दूर करना चाहती थी और तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरी रातों की नींद हराम कर दी, मुझे चारों तरफ बस भूत ही भूत नजर आते थे। तुम तीनों ने मिलकर इतना घिनौना खेल खेला है, एक मासूम बच्ची को इतनी बुरी तरह से डराया, तीन चुड़ैल बनकर, और ये सब तुमने क्यों किया। इसकी वजह से हमारी बहुत इंसल्ट हुई, हम इसे बदला लेना चाहते थे, इसे सबक सिखाना चाहते थे, इस स्कूल से निकलवाना चाहते थे और इसे दिमागी मरीज भी बनाना चाहते थे ताकि ये कहीं पर भी सुकून से ना रह सके, इसलिए हमने ये सब किया। टेप रिकॉर्डर में हमने वो सारी भूतिया आवाजें चलाई और चुड़ैल का गेटअप लेकर हम इसे डराते थे, हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे थे लेकिन इसने मेरे हाथ में रिंग देख ली जिस वजह से हम पकड़े गए। तुम तीनों ने बहुत ही ज्यादा घिनौना खेल खेला है, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, तुम्हें इस स्कूल से तो निकाला जा ही रहा है, अगले 5 साल तक तुम किसी और स्कूल में एडमिशन भी नहीं ले पाओगी। तुमने एक मासूम बच्ची के भविष्य के साथ खेला है, उसकी जिंदगी के साथ खेला है। और ऐसा कहकर प्रिंसिपल मैम तीनों को स्कूल से निकाल देती है, उन तीनों को उनकी किए की सजा मिल जाती है और नैन्सी कुछ समय में ठीक हो जाती है और अब वो दोबारा से मन लगाकर पढ़ाई करती है क्योंकि अब उसे डराने वाला कोई नहीं था। सोतेली माँ और जादुई सैंडल। निशा नाम की एक लड़की अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहती थी। निशा अपने परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन निशा की मम्मी उससे कहती है, निशा मैं और तेरी दादी मंदिर जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। नहीं मम्मी, मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि कल मेरा साइंस का एग्जाम है, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैं और तेरी दादी जा रहे हैं, तू अच्छे से दरवाजा अंदर से लगा लियो और कोई अनजान इंसान आए तो दरवाजा मत खोलना।
इतना बोलकर मीरा अपनी सास के साथ मंदिर चली जाती है। आते वक्त दोनों बस से घर आ रहे थे, तभी उस बस का हाईवे पर जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उस बस में मौजूद सभी लोगों की मौत हो जाती है। उन सभी लोगों में मीरा और उसकी माँ भी थी और उन दोनों की मौत भी हो जाती है। पुलिस मीरा के पर्स से कार्ड निकालकर उसके घर का एड्रेस देख लेती है और दोनों सास बहू की लाश घर तक पहुँचा देती है। ये सब देखकर निशा बहुत रोती है। मम्मी, दादी, आप दोनों तो मंदिर गए थे, लेकिन अचानक ये सब क्या हो गया? अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? आप दोनों के बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? इस तरह निशा का रो रो कर बुरा हाल था। निशा के पापा राघव को भी खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद राघव खुद को संभाल लेता है और अपनी बेटी का ख्याल खुद रखने लगता है। निशा का ख्याल रखने की वजह से वो अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक दिन लेट से राघव अपने ऑफिस जाता है, तभी उसका बॉस गुस्से से कहता है, राघव, एक महीने से देख रहा हूँ, हमेशा तुम काम पर लेट आते हो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। नहीं नहीं सर, मैं अब से टाइम पर आया करूंगा। हाँ, यही होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। राघव को बॉस से बहुत डांट पड़ रही थी। ये सब उसी की ऑफिस की एक औरत जिसका नाम पूनम था वो देख रही थी। काम खत्म होने के बाद पूनम राघव के पास जाती है और उससे बोलती है, राघव, मैंने देखा बॉस आज तुम पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। हाँ पूनम, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी एक बेटी है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ता है। उसको टाइम से स्कूल भेजने की वजह से मैं लेट हो जाता हूँ। हाँ राघव, मैं अच्छे से ये सब जानती हूँ। मीरा के जाने के बाद सब तुम्हें ही अकेले करना पड़ता है। अच्छा, मैं तुमसे एक बात बोलूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ पूनम, बेझिझक बोलो। मीरा के जाने के बाद सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ता है, लेकिन तुम भी कितना कर पाओगे? निशा को एक माँ की जरूरत तो पड़ेगी ही, और मेरा भी तलाक हो गया है। मैं अपना एक परिवार चाहती हूँ। हम दोनों शादी नहीं कर सकते हैं क्या? पूनम, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा सोच लूँ, उसके बाद तुम्हें कल बताता हूँ। इतना बोलकर राघव अपने घर चला जाता है। अगले दिन राघव पूनम के पास जाता है और उससे बोलता है, ठीक है पूनम, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दोगी? हाँ राघव, ये भी कोई कहने की बात है क्या? मेरे लिए निशा और मेरी बेटी अक्षिता दोनों एक जैसी ही होगी, और मैं दोनों में बिल्कुल भेदभाव नहीं करूंगी। उसके बाद उसी दिन शाम को राघव और पूनम शादी कर लेते हैं। शादी के बाद पूनम और उसकी बेटी अक्षिता राघव के घर आ जाते हैं। पूनम और अक्षिता को देखकर निशा बोलती है, पापा, आपने दूसरी शादी क्यों की? सौतेली माँ और सौतेली बहन बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी भी सौतेली माँ है, और उसकी सौतेली माँ बहुत बुरी है। नहीं निशा, सारी सौतेली माँ बुरी नहीं होती। वैसे भी पूनम को मैं अच्छे से जानता हूँ, ये तुम्हें बहुत प्यार करेगी। तुम बहुत उदास रहती थी और तुम्हें एक माँ की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी की है। अक्षिता और पूनम के रूप में तुम्हें एक नया परिवार मिल गया है। इन दोनों के साथ तुम बहुत खुशी से रहोगी। अगर मैं भी कभी काम के सिलसिले से बाहर गया तो मुझे भी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं रहेगी। निशा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, और अक्षिता भी तुम्हें बड़ी बहन जैसा प्यार करेगी। हाँ निशा, वैसे भी काम के सिलसिले से बॉस ने मुझे 3 महीने के लिए हैदराबाद भेजा है, इसलिए पूनम के यहाँ रहते हुए मुझे तुम्हारी बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी, और मैं बेफिक्र होकर वहाँ काम करूँगा। उसके बाद अगले दिन राघव हैदराबाद चला जाता है। 2 दिन में ही पूनम और अक्षिता अपने असली रंग दिखा देती है। एक दिन निशा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी पूनम एक ग्लास में पानी लेकर जाती है और निशा के चेहरे पर डाल देती है। निशा तुरंत नींद से जाग जाती है। तभी पूनम गुस्से से कहती है, 9 बज गए हैं और तू अभी तक सो रही है? मैंने और अक्षिता ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, हमें भूख लग रही है, नाश्ता कौन बनाएगा? लेकिन नाश्ता तो आप बनाती थी ना? पर अब तू बनाएगी, जा जल्दी से उठ और नाश्ते में हम दोनों के लिए आलू के पराठे बना। सारा दिन बस आराम करती रहती है,
अब तेरे आराम करने के दिन गए, समझी? मुझे आलू के पराठे बनाने नहीं आते हैं, वैसे भी मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए आप नाश्ता बना लीजिए और मुझे भी दे देना। जुबान खींच लूंगी तेरी अगर मुझे ऑर्डर दिया तो। मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ। आप जब इस घर में आई थी तब आपने कहा था कि आप मुझे माँ की तरह प्यार करोगी। प्यार की तो मुझे आपसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, पर माँ वाला काम तो कर ही सकती हो, क्योंकि मेरे घर में खाना मेरी माँ ही बनाती थी। तेरी हैसियत इस घर में नौकरानी वाली है, समझी? आज से काम करने की आदत डाल ले, क्योंकि अगर कल से काम समय पे नहीं हुआ तो तेरी खाल खींच लेंगे। हाँ अक्षिता, बिल्कुल सही कह रही है। चल जा, हम दोनों के लिए आलू के पराठे बना और खुद रात की रोटी खा लियो। निशा रोते हुए किचन में आलू का पराठा बनाने चली जाती है। निशा जैसे तैसे आलू का पराठा बना लेती है और उसके बाद घर की सफाई में लग जाती है। काम करते करते रात हो जाती है। उसके बाद निशा रात का खाना बनाती है। रात का खाना बनाने के बाद निशा पूनम से कहती है, माँ मैंने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था, अब आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ये ले, मेरा और अक्षिता का पेट भर गया है और हमारे प्लेट में अभी भी खाना है, तो तू वही खा ले। निशा उन दोनों का बचा हुआ खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। अच्छा होता कि पापा दूसरी शादी करते ही नहीं। पापा ने एक बार मुझे अपनी परेशानी बताई होती तो मैं सब संभाल लेती। अभी भी तो मैं ही सारा काम कर रही हूँ। निशा उन दोनों का बचा हुआ खाना खा लेती है और सो जाती है। अगले दिन निशा काम कर रही होती है, तभी अक्षिता उससे बोलती है, सुन मेरी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है और मैं उसे ग्रीटिंग कार्ड देने वाली हूँ। उस ग्रीटिंग कार्ड के साथ मैं उसे एक गुलाब का फूल भी दूंगी, इसलिए तू जंगल से गुलाब का फूल ले आ। लेकिन दीदी जंगल तो बहुत खतरनाक है और यहाँ से बहुत दूर भी है। तो क्या हो गया, गुलाब का फूल जंगल में ही मिलता है, यहाँ आसपास कहीं नहीं मिल रहा, तभी तुझे जंगल जाने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन दीदी जंगल जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है, जंगल में तो जंगली जानवर भी होंगे। ये सब मुझे नहीं पता, बस मैंने जो कहा है वो कर। ना चाहते हुए भी निशा को जंगल जाना पड़ता है। निशा जंगल पहुँचती है, तभी कुछ दूर तक चलने के बाद उसके पैर में कांच चुभ जाता है। निशा को पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और उसके पैरों से बहुत खून भी निकल रहा था। अपना ये हाल देखकर निशा रोने लगती है। ये क्या हो गया, मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची और मेरे पैरों में इतना बड़ा कांच घुस गया। मेरे पैरों में से बहुत खून निकल रहा है और मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। मैंने तो अभी तक गुलाब का फूल भी नहीं लिया है, अब मैं घर कैसे जा पाऊंगी? अगर बिना गुलाब का फूल लिए घर गई तो माँ और दीदी मेरी बहुत पिटाई करेंगी। दूर खड़ी रानी परी ये सब देख रही होती है। रानी परी निशा के पास जाती है और उससे बोलती है, क्या हुआ लड़की, तुम्हारे पैरों से इतना खून कैसे निकल रहा है? आप कौन हो, आप मुझे मायावी लग रही हो। नहीं बेटी, मुझसे मत डरो, मैं रानी परी हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। रानी परी के पूछने पर निशा उन्हें अपने बारे में सारी बातें बता देती है। सारी बातें जानने के बाद रानी परी बोलती है, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ दूंगी जिसके बाद तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। इतना बोलकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ एक सैंडल ले आती है, तुम ये सैंडल पहन लो। रानी परी के कहने पर निशा सैंडल पहन लेती है। सैंडल पहनते ही निशा की चोट गायब हो जाती है। ये देखकर निशा बहुत खुश होती है। तभी रानी परी बोलती है, ये जादुई सैंडल है, ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी, तुम जो चाहो इससे मांग सकती हो। इतना बोलकर रानी परी वहां से चली जाती है। उसके बाद निशा गुलाब का फूल ले लेती है और घर वापस आ जाती है। निशा अक्षिता को फूल दे देती है और अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाकर निशा बोलती है, इतने दिन से मैं सूखी सूखी रोटियां खा रही हूँ, आज मेरा जो मन होगा वो खा सकती हूँ। हे जादुई सैंडल, मेरे सामने स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट कर दो।
निशा के इतना बोलते ही वहां तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट हो जाते हैं। निशा खुशी से सारा खाना खा लेती है और सो जाती है। उस दिन से निशा बहुत खुश रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन पूनम अपनी बेटी से बोलती है, अक्षिता हम दोनों मिलकर निशा को इतना परेशान करते हैं, लेकिन ये तो मार खाने वाला कोई काम ही नहीं करती। देख रही हूँ आजकल बहुत खुश भी रहने लगी है। हाँ माँ, लग रहा है कुछ गड़बड़ है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। इतना बोलकर उस दिन से दोनों माँ बेटी निशा के ऊपर नजर रखने लगती है। कुछ दिनों में ही दोनों को जादुई सैंडल के बारे में पता चल जाता है। दोनों माँ बेटी निशा के कमरे में जाती है और उसे बोलती है, सुन लड़की, अभी के अभी ये जादुई सैंडल मेरी बेटी को दे दे। निशा को उन दोनों से बहुत डर लगता था, इसलिए वो दोनों को अपनी जादुई सैंडल दे देती है। अक्षिता जैसे ही जादुई सैंडल पहनती है वो बोनी हो जाती है। अक्षिता ये सब देखकर रोने लगती है और बोलती है, मम्मी ये सब क्या हो गया, मैं तो इतनी ज्यादा बोनी हो गई हूँ, अब लोग मेरा बहुत मजाक बनाएंगे, मैं तो घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल पाऊंगी। बता मनहूस लड़की, तूने जादुई सैंडल से ऐसा क्या कहा जो मेरी बेटी की हाइट इतनी छोटी हो गई है? मैंने तो कुछ नहीं कहा माँ, ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। तभी सैंडल में से आवाज आती है, अब तेरी बेटी हमेशा बोनी ही रहेगी, तुम दोनों ने मिलकर बेचारी निशा को बहुत तंग किया है, ये सब उसी की सजा है। नहीं जादुई सैंडल, तुम अक्षिता को पहले की तरह कर दो, मैं नहीं चाहती कि ये इस तरह अपना जीवन घुट घुट कर बिताए। निशा के कहने पर जादुई सैंडल अक्षिता को पहले की तरह कर देती है। दोनों माँ बेटी को अपने किए पर पछतावा होता है और दोनों निशा से माफी मांगती है। उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाता है और अब से निशा अपनी माँ बहन के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।